हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिक्शनल यूट्यूब चैनल में। द विंड हाशिरा साने में शिनाजुगावा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द विंड हाशिरा के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बिग शॉट आउट देना चाहूंगा अमन गुरसंग और कृष्णा राजभार को। थैंक्स, आपने टॉपिक सजेस्ट किया। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सजेस्ट करते रहिए। तो अब बात करते हैं विंड हाशिरा के पावर्स के बारे में। तो हम सब ये जानते हैं कि सानेमी की बैक स्टोरी बहुत ही ट्रेजिक रही है। ये सारी चीज़ों को मैंने विंड हाशिरा की ओरिजिन स्टोरी में फुल्ली एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो आई बटन पे शो कर रही होगी, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। सानेमी शिनाजुगावा। इस बात को ना गिनना, ना इंसाफी होगी सानेमी के लिए कि डीमन स्लेयर बनने से पहले वो एक डीमन हंटर था। हाँ दोस्तों, वो डीमन स्लेयर बनने से पहले डीमंस का शिकार किया करता था बिना किसी ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्किल्स के। उसका मेन पावर पॉइंट उसकी ब्रीदिंग स्टाइल है। वो विंड ब्रीदिंग को यूज करता है, जो मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में आती है। पहले नंबर पे फायर है, दूसरे नंबर पे वाटर है और तीसरे नंबर पे विंड है। तीसरी सबसे ज्यादा ताकतवर ब्रीदिंग स्टाइल को वो यूज करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में टोटल 9 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है डस्ट विंड कटर, सेकेंड फॉर्म है प्यूरिफाइंग विंड, थर्ड फॉर्म है क्लीन स्टॉर्म विंड ट्री, फोर्थ फॉर्म है राइजिंग डस्ट स्टॉर्म, जो कि सिमिलर है फायर ब्रीदिंग के एक फॉर्म से, राइजिंग फोर्जिंग सन। इस ब्रीदिंग स्टाइल को रंगो को यूज करता है, जो कि फायर हाशिरा है। Flame breathing. Second form. Rising scorching sun. Fifth form cold mountain wind. Sixth form black wind mountain mist. Seventh form gale sudden gust. Eighth form primary gale slash. और आखिरी और फाइनल नाइन्थ फॉर्म इडाटन टाइफून। ये बहुत ही डेंजरस फॉर्म है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विंड हाशिरा के पास एक छुपी हुई पावर भी है। सानेमी के खून में एक ऐसा अरोमा है जो डीमंस को अनकॉन्शियस कर देता है। इसीलिए जब वो डीमन स्लेयर नहीं बना था, तब भी वो डीमंस को हंट कर पा रहा था बिना किसी ट्रेनिंग के। क्योंकि डीमंस उस पर हमला करते और उसका खून बहता, तो डीमंस अनकॉन्शियस हो जाते और सानेमी को मौका मिल जाता डीमंस को मारने का। विंड हाशिरा इतना पावरफुल है कि वो अपर मून को भी टक्कर दे सकता है। उसकी ब्रीदिंग स्टाइल ही उसको यूनिक बनाती है और उसके कैरेक्टर को मैच करती है, क्योंकि सानेमी एकदम एग्रेसिव और अब्यूजिव है और बहुत ही ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है। और मैं आपको बता दूं, सानेमी के जैसा एक और कैरेक्टर है डीमन स्लेयर में, जो कि है अपना बीस्ट बॉय इनोसुके। हाँ, इनोसुके। और मैं आपको बता दूं, इनोसुके जो ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है विंड ब्रीदिंग से, जो सानेमी यूज करता है। तो अब देखते हैं एनिमे में क्या होगा विंड हाशिरा का। शायद सीजन 2 में हमको विंड हाशिरा के कुछ फ्लैशी मूव्स देखने को मिले और इसके कैरेक्टर को डेप्थ मिले, क्योंकि उसका फर्स्ट अपीयरेंस बहुत ही गंदा रहा है। आपको तो याद ही होगा सीजन 1 में कि उसका अपीयरेंस बहुत ही गंदा था। तो वीडियो को अब चलिए एंड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो पसंद आए कि नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई टॉपिक है और आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। कमेंट्स में जाके आप टॉपिक लिखिए, मैं वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।